चाहिए 5 आटा या फिर मैदा 1 किलो। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच शुगर यानी के चीनी, 1 खाने का चम्मच या फिर इसके जायका नमक ऐड करेंगे 1 किलो। इसमें 1 टेबल स्पून तक जाएगा, आधा किलो आप इस्तेमाल करें तो फिर आधा आधा टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे, जो फ्रेश मिल्क होता है वो 1 कप मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और पानी टोटल मैं इसमें तकरीबन 2.5 कप ऐड करूँगी, लेकिन हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। पहले अभी मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप ऐड किया, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सारा पानी मिला लेंगे। टोटल मेरा 2.5 कप लगा है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने भी पानी इसमें ऐड करना है। पानी नॉर्मल है और दूध भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, थोड़ा सा अगर कटीम गर्म हो तो कोई इशू नहीं है। इस तरह का डो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त डो हम गून लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और बस ये डो हमारा तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख सकते हैं, वरना अगर आपने इसे अच्छी तरह से गून के रखा हो तकरीबन 5-6 मिनट तक, तो ये बिल्कुल हमारा डो तैयार हो जाएगा नरम सा। सरफेस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े बनाने हैं, पूरी से थोड़े बड़े और पराठे से थोड़े से छोटे बनाने हैं इस तरह से। पेड़ों के ऊपर भी थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना है। आप चाहे तो इसे ढककर रख दें, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट बेल सकते हैं, क्योंकि आटा जब आप अच्छी तरह से गून लेते हैं तो उसको ढककर रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेल्टेड घी मैंने लिया है तकरीबन 1/2 कप, या फिर हस्बे ज़रूरत आप ले लें मेल्ट किया हुआ घी। थोड़ा सा हम सर्फेस के ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल का और घी का इस्तेमाल आपने थोड़ा कम ही रखना है। अब हम पेड़े को अच्छी तरह से बेलेंगे, बहुत ही बारीक आपने इसको बेलना है। देखिए इस तरह से, अगर शेप खराब भी हो गई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल पतला करके बेलना है। और बेलने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगा लेना है। घी लगा लेने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा टेस्ट करना है और इसको इस तरह से बनाना है जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। फोल्ड करना है इसी तरीके से और देखिए ये एक लंबा सा इस तरह का एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। बाकी सारे पेड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे। पहले हम पूरी की तरह इसको पतला बेल लेंगे, उसके ऊपर घी लगाएंगे मेल्ट किया हुआ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसके लंबे लंबे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैं सरफेस पर अगेन ऑयल लगा रही हूँ और पेड़ों को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 5-10 मिनट। और बस इसको अब हम ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे, राउंड टर्न करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से पेड़ को ऊपर से हमने प्रेस करना है ऐसे, और अंदर तक ऐसे हम लेकर जाएंगे। ये हमारा एक पेड़ा तैयार है, देखिए इस तरह से। पेड़े को 10-15 मिनट तक रेस्ट दे दे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा ले और 10-15 मिनट तक रेस्ट दे दे, तो बहुत ही अच्छे पराठे तैयार होते हैं। अगेन हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे सरफेस पर। इसमें खुश्क आटे का इस्तेमाल कम से कम ही करेंगे हम, ज़्यादातर ऑयल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बीच में आपने घी ही लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। देखिए हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे फैला लिया है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना और ना ही आपने इस बेलन का इस्तेमाल करना है। हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करते हुए इस तरह से बनाना है और बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, थोड़ा मोटा रखना है। देखिए ये पराठे हमारे तैयार हैं। तो इस तरह से पराठे बनाकर पेड़ों को फैला के इसके बाद हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। यहाँ पर तवा जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई और लो पर नहीं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि होटल स्टाइल है और होटलों में ये इसी तरह ज़्यादा ऑयल में फ्राई किए जाते हैं, इसी से ये क्रिस्पी बनते हैं और इसी से इसका ज़बरदस्त सा कलर आता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है कि जिस तरह से आप इसे बनाना चाहते हैं। अगर आप डेली पर्पस पे बनाना चाहते हैं तो आप कम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी आप ऐसे होटल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से ही ये क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा हम इसको 2 चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त से पराठे हमारे तैयार हैं। मैं आपको 2 मज़ीद फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह से साथ साथ हम ऑयल भी डालते जाएंगे और प्रेस भी करते जाएंगे। बीच बीच में आपने इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है ताकि इवन कलर आ जाए। प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए पराठों को हम इस तरह से 2 चम्मच की मदद से ऐसे करेंगे ताकि इसके लच्छे जो है वो खुल जाए। ये देखें ये लच्छे जो है आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जबरदस्त से ढाबा स्टाइल पराठे हमारे तैयार हैं। ये देखें पराठे
पराठे के लच्छे चेक करें और पराठा का कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी डिलीशियस ये तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं। और ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, इसके लच्छे चेक करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।